करिए, उस पर बात कीजिए। बेटी को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है, कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूं। अनुराग भदौरिया, हो गया सर, कि पिता पुत्री के बारे में कोई उंगली उठाएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूं। ये मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए, और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, खुले मन से। किसने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव से उसका इस्तीफा? मांगिए इस्तीफा आप सम्राट चौधरी। अपना करेंगे तब तब चुप्पी सा देंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। आप शांत हो जाइए। अजय आलोक जी, पूरे मसले को कैसे डिरेल किया जाता है ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए, और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज। ठीक है अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है, इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए टॉपिक लाना पड़ेगा। सुनिए, आपका नेता बोलेगा कि नहीं नहीं कहां कहां किस किस रामपुर में, तो रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने, आजमगढ़ के लोगों ने बहिष्कार का नारा दिया कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया अब एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग भदौरिया रुक जाइए, रिश्ता नहीं पता। मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे, आप सोच समझ कर आए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में भूतेरे ऐसे हैं, मैं गिना दूंगी। ज्ञान तो आपको सवाल ही नहीं पूछ पा रही है, मैंने पूछ लिया जो जवाब आप जवाब जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। खुद बेटी है अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू, हटाइए इनको स्क्रीन से, बता दीजिए, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो, और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। अजय आलोक, नहीं नहीं दिखाऊंगी सर, ये बिलबिला, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको, अब नहीं दिखाऊंगी सर। ये बिलबिला रहे हैं, इनका बिलबिलाना जायज है, क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की, कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा, टिकट लौटा दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है, अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। नहीं, अजय आलोक, देश की लीडरशिप को मल्टीपल चैलेंजेस मिल रहे हैं कि वो अपने इस दुखती रक्त को छुपाने के लिए आज दूसरे मसले पर बात कर रहे हैं। वो तो कोशिश करेंगे ना कि जो फजीहत हुई है उस फजीहत पर डिस्कशन ना हो। अंडरस्टैंडेबल है ये मामला, है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है रूबिका, बिल्कुल 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 स्वाभाविक है कि इस बात पे वो नहीं बात करना चाहेंगे। लेकिन नहीं बात करने से क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह के राजनीति नहीं की जाती है कि ऑस्ट्रिच की तरह बालू में मुंडी घुसा लिया कि तूफान आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। अरे ये सुनामी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं, ये साफ हो जाएंगे यूपी बिहार में, पंजाब महाराष्ट्र में, कहीं नहीं रहने वाले। ऑलराइट, और इनके इनकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, हम तो चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन और बढ़े। सवाल हमारा 370 को लेकर भी था। अनुराग भदौरिया रुक जाइए ना, अब मेरे तीन और मेहमान है, रुक जाइए, मुस्कुरा रहे हैं। अभी बहु बेटी का दर्द आपके कहाँ चला गया? अब मुस्कुरा रहे हैं, रनिंग कमेंट्री चल रही थी। हाँ, क्यों नहीं करूंगी? बीजेपी, क्योंकि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कमेंट्री क्यों भाई, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, और मैं करूंगी रनिंग, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मैं आपको छोड़ूंगी, आप मुझे छोड़ूंगी, आपको छोड़ूंगी, सकते ही नहीं छोड़ूंगी। अब मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करती हूं। सर, एक बड़ा सवाल तो वहां बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कांग्रेस सुबोध जी अपनी सीटों पर अड़ी हुई है, आरजेडी ये चाह रही है कि वो सीटें जो चाह रही है उस पर आरजेडी के प्रत्याशी जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं वो लड़े। ये स्थिति अभी भी आज की तारीख में बनी हुई है। मेरा सीधा सवाल है, अगर आपस में आप लड़ेंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे सुबोध जी?
रूपका जी देखिए, बहुत अच्छे से तालमेल हमारा कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लेट हो रही है, कल तक ये सारा फाइनल हो जाएगा। जहां तक बात रही, आप कह रही हैं कि आगे का कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है, तो देखिए ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम लोग डिबेट डायसेंट के साथ जो है डिस्कशन कर रहे हैं और कल तक संभवतः 24 घंटे के अंदर हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग आपके सामने होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एजेंडा सेट होना चाहिए था इलेक्शन 2024 का, आम जनरल इलेक्शन का, वो एजेंडा ही नहीं है। पूरे भारत में ही ले लीजिए, लगता ही नहीं है कि जो वोटर हैं वो डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। डीमोटिवेशन इसलिए है क्योंकि जो पढ़ाई का एजेंडा हो, दवाई का एजेंडा हो, फार्मिंग का एजेंडा हो, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का एजेंडा हो, इस एजेंडे पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे पे नहीं हो रहा है। एजेंडा इनका सिर्फ एक है कि स्वर्ग और नरक की, जैसे अभी आलोक भाई बात कर रहे थे, एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नरक है, इसी तरीके का एजेंडा सेट करके ये इलेक्शन आना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एजेंडा डेवलपमेंटल मॉडल का एजेंडा है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डेवलपमेंटल मॉडल को लेकर बिहार में आगे बढ़े हैं, बिहार की महान जनता ने हमें समर्थन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर संविधान के निर्माताओं के मूल्य को जो छिन्न भिन्न किया है इन लोगों ने, चाहे वो कल्याणकारी राज्य की योजना हो, चाहे आरक्षण की नीति हो, उस एजेंडे पर आपको लग रहा है कि वोटर वोट करने वाला है। सतीश जी भी हमारे साथ ये मौजूद है। अजय जी एक सेकंड, मैं पहले सारे मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क देना चाहती हूँ, ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूँ। उसके बाद सुबोध जी एक बार आपकी इजाजत से, एक बार मैं बाकी सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सतीश जी, वो जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमको लगता है कि जो चैलेंजर हो जाता, चुनौती देने वाला होता है, वो 24 महीने पहले अपनी पूरी तैयारी ख़त्म कर देता है। ये तो एक सीट का एडजस्टमेंट तक नहीं कर पाए, अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए। वो लोग तो होली खेल रहे हैं दिल्ली में, आरजेडी के नेतागण, पूरा लालू परिवार दिल्ली में होली खेल रहा है। सुनिए मेरी बात, इनका जो है एजेंडा विधानसभा चुनाव है। हमको नहीं लगता इनको लोकसभा से कोई लेना देना है, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है। यही चीज आपको कई जगह दिखेगी, अदृश्य शक्तियां बहुत हावी हैं। कोई एक एक जगह से दो दो आदमी आ जा रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, वो भट जा रहा। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा में भी नहीं है, पांच अदृश्य शक्तियां क्या, बहुत सारे के काम होते हैं ना पॉलिटिक्स में, कैसे कैसे चलता है आप समझ रहे ना, क्या क्या होता है आजकल। देखिए सब कुछ हो गया लेन देन, गिव एंड टेक, हमको क्या मिलेगा उसके आधार पर चीजें होती हैं। हम कोई बयान भी देते हैं तो हम भी सोच समझ के देते हैं कि इससे आपका फायदा कराना है, आपका घाटा कराना है, गिव एंड टेक पर चल रहा है सारा मामला। तो ये बयान से लेके, सीट से लेकर के, और इधर से छड़पा छड़पी जो चल रहा है, तो इससे तो ज्यादा, देखिए भाजपा से भी कुछ लोग आए हैं इधर कांग्रेस में, लेकिन ये छड़पा छड़पी तो ज्यादा INDIA में है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये बिहार में गठबंधन है कि नहीं। महाराष्ट्र का अभी तक अटका हुआ है, पहले फेज का आप चुनाव पर आज निर्णय ले रही हैं, अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश का है चाहे बिहार का है, अभी क्लैरिटी है क्या? चुनाव राजस्थान में भी है पहले फेज में, जैसा मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, पूरा तमिलनाडु है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास पर ये भारतीय जनता पार्टी को आप थोड़ा सा एक जगह दोगे ना, तो पूरा जगह कब्जा कर लेंगे, ये तो आपको लड़ने भी नहीं देंगे। Exactly. और लड़ने तो वो आपको लड़ाते रहे। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो आजम खान का क्या हुआ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है, तो उनके पास खबर नहीं है। तो खबर क्या है? देखिए समाजवादी पार्टी से दो लोग पहुंचे, अरे भैया वो आपको पता चल जाएगा अभी आधे घंटे में, वो हमारी स्ट्रेटेजी आप कैसे जानेंगे? रामपुर से तो, अरे भाई अपना बताओ ना, आपके यहां तो चुनाव लड़ने से मना कर देते पहले ही, भैया हमको टिकट नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे भैया, हम सरेंडर हैं। और जिनको आप दे देते हैं वो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं भैया मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे, तो वो ऐसे लौटा देते हैं। तो अपनी बात करो ना, लेकिन ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है क्या? मुद्दा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों और महिलाओं का अपमान लगातार करते आ रहे हैं, इस पर चर्चा ही नहीं कोई करना चाहता। अब सम्राट चौधरी जो बात कही है, एक पिता पुत्री का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता होता है, एक एक पुत्री को किस तरह से पिता पाल के बड़ा करता है, आपने देखा, पिता खुद पैदल चलता है, अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा में
में या स्कूटी में अपनी स्कूल छोड़ता है, वो बेटी बड़ी होकर अगर अपने पिताजी की मदद करती है तो क्या लेन देन हो गया? ये रिश्ता लेन देन का कहलाएगा? ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेता की होगी और कोई इस्तीफा भी नहीं देगा और उसके बाद बीजेपी बोलेगी भी नहीं? इसी तरह से दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, अब मैंने पूरा बोलने का मौका दे दिया आपको।